हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एकता स्किल्स। इन दिस वीडियो आई शैल ब्रीफ यू अबाउट द ट्रैफिक रूल्स एंड रोड सेफ्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू दैट देयर आर थ्री कलर्स ऑन द ट्रैफिक सिग्नल। दे आर रेड, एम्बर और व्हाट यू कॉल येलो एंड ग्रीन। Red light tells driver to stop. Green light means that the driver can start driving or keep driving. Amber or yellow indicates to stop when it is safe to, because the light is about to turn red. Now let's learn sentences about road rules and safety. द फर्स्ट सेंटेंस इज, हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। वी मस्ट फॉलो और वी कैन से ओबे ट्रैफिक रूल्स। सो द सेंटेंस इज, वी मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स। रास्ता जेब्रा क्रॉसिंग पर पार करें। Cross the road at zebra crossing. Zebra crossing are the white and black strips on the road near the signal. Signal का उल्लंघन ना करें। Do not break or do not jump signal. पूछे जाने पर लाइसेंस दिखाएं। प्रोड्यूस द लाइसेंस ऑन डिमांड। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें। डू नॉट टॉक ऑन मोबाइल व्हाइल ड्राइविंग। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, इफ यू आर न्यू टू माय वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय वीडियो एंड Don't forget to like it. Next one is, पीकर गाड़ी चलाना गुनाह है। Drinking and driving is an offense. Next one is, सवार और प्लेन सवार को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। Now what is प्लेन सवार? Or we call it as प्लेन rider. It is the person who is sitting behind on a scooter or motorcycle. So in English we say, wearing of helmet is compulsory for rider and pillion rider. Next is, gati sima se tez gaadi na chalayen. The English for this is, do not exceed speed limit. द नेक्स्ट वन इज, गाड़ी मोड़ते समय सूचक का प्रयोग करें। सूचक मीन्स इंडिकेटर, द टेल लाइट इंडिकेटर्स और डिम लाइट इंडिकेटर्स आर देयर। यूज इंडिकेटर्स व्हाइल टेकिंग टर्न और शो इंडिकेटर्स व्हाइल टेकिंग टर्न। लापरवाही से रास्ता पार करना खतरनाक है। द इंग्लिश फॉर दिस इज, जे वॉक एट रोड इज डेंजरस। समवेयर देयर आर अंडरग्राउंड मेड बिलो द रोड, सो दोस आर नोन एज सबवेज। रास्ता पार करने के लिए भूमिगत मार्ग का प्रयोग करें। यूज द सबवे to cross the road. Next one, पैदल चलने वाले फुटपाथ का उपयोग करें। पैदल चलने वाले means pedestrians और फुटपाथ pavement. Pedestrians should use pavement to walk. So these were some rules
we should follow on road for safety. I hope you like the video. If yes, please give a thumbs up to my video and don't forget to comment on it. Thank you for watching.